सब्सक्राइब करिए बी योर डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहित पवार और आज मैं आपको बताऊंगा एचआईवी एड्स के बारे में। एचआईवी का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी है वो वायरस है और उससे होने वाली जो बीमारी है उसे एड्स कहते हैं। ये डिजीज में हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही वीक हो जाती है। हमारे बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल है उसके CD4 जो काउंट्स है वो बहुत ही कम हो जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हम कई सारी बीमारी के शिकार होते हैं। ये डिजीज बहुत ही घातक है, हालांकि अब उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उससे काफी हद तक आराम मिलता है, लेकिन ये डिजीज के बारे में पूरी जानकारी जरूरी है। इसलिए आज का इस वीडियो आप पूरा देखिए और इसको शेयर करिए ताकि इसके बारे में अवेयरनेस मिले। जब से एचआईवी एड्स के केसेस होने शुरू हुए हैं तब से 70 मिलियन लोग ये डिजीज के शिकार हुए हैं। इसमें से 35 मिलियन लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि 2016 के अंत तक करीबन 36.7 मिलियन लोग ये डिजीज के शिकार थे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा एचआईवी एड्स के बारे में, जिसमें इसके कॉजेस, इसके सिम्टम्स, इसकी ट्रीटमेंट, इसके मैनेजमेंट और ये डायग्नोसिस कैसे होता है, उसके हर इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं ये डिजीज की हिस्ट्री के बारे में। इसका पहला केस देखने में मिला 1981 में। ये डिजीज आया है चिंपांजी मंकी से ह्यूमन में। मंकी में एक वायरस होता है जिसका नाम है एसआईवी वायरस और जब ह्यूमन जब मंकी को हंट करता है और उसका बूस मीट खाता है तब वो वायरस मंकी से ह्यूमन में आ जाता है। वो वायरस था एसआईवी वायरस। वो इतना खतरनाक नहीं था, इतना घातक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होने लगा। फिर वो वायरस की जो डिजाइन है, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ चेंजेस होने लगे। वो वायरस हो गया एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और वो वायरस से डिजीज होने लगा एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो एचआईवी वायरस है उसके दो टाइप है, एचआईवी 1 और एचआईवी 2। ज्यादातर किस्सों में एचआईवी 1 वायरस से ही इंफेक्शन लगता है। करीबन 80% एचआईवी 1 वायरस का ही इंफेक्शन होता है और जो एचआईवी 1 वायरस है उसको ही एक सिंपल एचआईवी कहते हैं। एचआईवी डिजीज का कहर पूरे विश्व में है और खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में ये डिजीज से डेथ ज्यादा होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये वायरस ये डिजीज के मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, यानी कि ये डिजीज कैसे फैलता है। ये डिजीज फैल सकता है ब्लड से, दूसरा सीमेन, ब्रेस्ट मिल्क और सलाइवा, इन सब फ्लूइड से ये वायरस फैल सकता है। ये डिपेंड करता है कि जिस पर्सन से फैल रहा है उसमें वायरस का लोड कितना है, उसमें वायरस का प्रमाण कितना है और किस फ्लूइड से वो ट्रांसफर हो रहा है और उसकी क्वांटिटी क्या है, इन सब पैरामीटर्स पर वो आधार रखता है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका जो ट्रांसमिशन है वो स्टेप बाय स्टेप। पहला लेते हैं सेक्सुअल, इसमें मेल टू मेल सेक्स में, दूसरा हेटरोसेक्सुअल यानी कि मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ये स्प्रेड हो सकता है और ओरल सेक्स है। दूसरा है ब्लड। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए उसमें अगर स्क्रीनिंग ना की जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन ना की जाए और अगर वो आदमी जिसका ब्लड हम ले रहे हैं वो अगर ये एचआईवी से पीड़ित है तो ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। वो खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें ये इन्वेस्टिगेशन कई बार नहीं किए जाते हैं, कई बार इमरजेंसी में नहीं किए जाते हैं, उस टाइम पर ये वायरस ये ब्लड से स्प्रेड हो जाता है। दूसरा है कि अगर जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसको कोई नीडल लगी हो और वही सेम नीडल अगर हमें लग जाए तो भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। और खास करके जब वो लोग ड्रग्स लेते हैं, हालांकि नहीं लेना चाहिए लेकिन एक ही सिरिंज से कई लोगों को ड्रग्स दी जाती है, उस टाइम पर ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम बार्बर के सोप पर सेविंग करते हैं अगर वहां किसी की ब्लड में इंफेक्शन ये हो और वो ब्लड चेंज ना की जाए तो भी ये वायरस का इंफेक्शन लग सकता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट कि माता से बच्चे में ये इंफेक्शन स्प्रेड होता है, ये होता है गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में डिलीवरी के टाइम पर, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जब उसको ब्रेस्ट फीडिंग किया जाए तब भी ये वायरस स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं।
और फोर्थ ऑर्गन डोनेशन, जिसमें अगर किडनी डोनेट की जाए या फिर स्किन डोनेट किया जाए, इवन सीमेन भी डोनेट किया जाए, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसमें से दूसरे पर्सन को ये इन्फेक्शन चला जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं उसके मिथ्स के बारे में, यानी कि कुछ गलत फहमियां के बारे में। इसमें मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें से ये वायरस का इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको एचआईवी होता है उसको उसकी सोसाइटी में इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, उसको इंफीरियरिटी फील नहीं होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं उससे ये एचआईवी वायरस का स्प्रेड नहीं होता है। उसमें पहला बाय एयर, यानी कि अगर जो एचआईवी इंफेक्टेड पर्सन आपके सामने हो वो छींके खांसे कोल्ड कुरेसा, उससे ये वायरस स्प्रेड नहीं हो सकता है। दूसरा वाटर से, यानी कि अगर स्विमिंग पूल या ऐसी जगह में साथ में नहाने से ये वायरस नहीं फैलता है। तीसरा, अगर आप उसे हैंडशेक कर लीजिए या फिर क्लोज माउथ उसे किस करिए तो भी ये वायरस नहीं फैलता है। उसके साथ आप फूड शेयर करिए, उसके साथ आप ड्रिंक शेयर करिए, उससे भी ये वायरस नहीं फैलता है। उसके साथ टॉयलेट आप शेयर करो तो भी ये वायरस नहीं फैलता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इंसेक्ट से या फिर मॉस्किटो से ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाता है। ये सारे हुए मिथ्स, यानी कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए इनसे ये वायरस स्प्रेड नहीं होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही एचआईवी का इंफेक्शन होता है वैसे हमारे बॉडी में कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे आप यहां चार्ट में देख रहे हो, जब इंफेक्शन होता है तो वायरस जीरो लेवल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है, वो धीरे धीरे वायरस बढ़ता जाता है। और हमारी बॉडी में जो CD4 काउंट है, जो वाइट ब्लड सेल काउंट है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। उसकी वजह से कुछ प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं और ये फेस करीबन 2 to 4 weeks, यानी कि एक महीने के अंदर ये फेस आ जाता है, लेकिन इसमें डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद आता है एसिम्टोमेटिक फेस। ये फेस में धीरे धीरे काउंट्स, जो हमारे सेल काउंट्स है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट्स है, CD4 काउंट, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और वायरस धीरे धीरे कम होता है हमारी इम्यूनिटी के कारण। ये फेस करीबन 7 से 10 साल तक चलता है। इन पीरियड में कोई सिम्टम्स नहीं होता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर से वायरस बढ़ता जाता है और हमारी इम्यूनिटी, हमारे काउंट्स धीरे धीरे कम होते हैं। ऐसे वो 10 साल के बाद फिर एड्स के जो सिम्टम्स है वो देखने में मिलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में। जब इसका इन्फेक्शन लगता है तब डॉक्टर भी इसका डायग्नोसिस तुरंत नहीं कर सकता है। अगर पेशेंट को डाउट्स हो तो फिर जब पेशेंट डॉक्टर को बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये डाउट्स लग रहा है, तभी ये डायग्नोसिस इनिशियल स्टेज में हो सकता है। इसके जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है उसका प्राइमरी जो सिम्टम्स है उसमें बहुत ही सिंपल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बुखार के साथ रेसिस होना, दाने दाने निकलना, फिर हेडेक होना, बॉडी एक होना, माइल्जिया यानी कि मसल्स में पेन होना, छाले पड़ जाना, अल्सर होना और लिम्फ नोड एनलार्ज होना। ऐसे बहुत ही सिंपल सिम्टम्स होता है इसके प्राइमरी कैटेगरी में। फिर उसमें आता है एसिम्टोमेटिक फेज, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है। इसमें वायरल का लोड भी कम होता है, हमारी इम्यून सिस्टम भी थोड़ी बहुत एक्टिव होती है, उसकी वजह से इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और ये करीबन 7 से 10 साल तक का ये फेज होता है एसिम्टोमेटिक फेज। इतने सालों तक कोई भी सिम्टम्स इसमें नहीं देखने में मिलते हैं, सिवाय के लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ये सिम्टम्स हो सकता है। पहले मैंने बताया प्राइमरी इन्फेक्शन, वो करीबन 1 महीने के अंदर वो सिम्टम्स आ जाते हैं। उसके बाद एसिम्टोमेटिक फेज, वो करीबन 7 से 10 साल तक चलता है। समझिए ये डिजीज कितना घातक है कि 10 साल तक हमें वो अंधेरे में रखता है। उसके बाद ये पीरियड के बाद उसमें माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, उसको हम एड्स नहीं कह सकते हैं, वो तो इसके आगे का स्टेज है। इसके माइल्ड सिम्टम्स की कैटेगरी में उसमें आता है लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार आना, उसके साथ नाइट स्वेट्स यानी कि ज्यादा पसीना होना, साथ में क्रोनिक डायरिया यानी कि लंबे समय तक करीबन 1 महीने से ज्यादा डायरिया रहता है, बहुत ही ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, स्किन में हमारी इम्यूनिटी कम होने के कारण हर्पिस जोस्टर जैसी बीमारी होना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि बॉडी में झुंझुनाहट सी होना, उसके साथ ओरल हेरी ल्यूकोपेकिया यानी कि मुंह में वाइट लाइंस हो जाना, उसके साथ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है गले में, वजाइनल कैंडिडियासिस हो सकता है, वजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब कैटेगरी में आता है माइल्ड सिम्टम्स की कैटेगरी में। ये सारे सिम्टम्स आने की वजह
हमारी इम्यूनिटी कम होना, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसके काउंट्स कम हो जाना, उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। माइल्ड सिम्टम्स के बाद जो सिम्टम्स आते हैं उसे कहते हैं एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इतने समय के बाद जो सिम्टम्स आते हैं उसे एड्स कहते हैं। इसमें इम्यूनिटी इतनी हद तक कम हो जाती है कि कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिकल, फंगल कोई भी इंफेक्शन लग जाता है। नॉर्मल पर्सन को जिस एटमॉस्फेयर से इंफेक्शन ना लगता हो वहीं से ये इंफेक्शन वो आदमी को कैचअप हो जाता है, इतनी इम्यूनिटी उसकी कम हो जाती है। इसमें होता है मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन का इंफ्लामेशन, उसके साथ रेटिनाइटिस, आई का इंफ्लामेशन, इसमें न्यूमोनिया हो सकता है, ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है, इसमें ट्यूमर हो सकता है, इसमें कैंसर हो सकता है जैसे कि केपोसिस सार्कोमा, सर्वाइकल कैंसर, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, ऐसे कैंसर भी ये एचआईवी से इंफेक्टेड जो पर्सन है उसको हो सकते हैं। उसके अलावा स्किन में हर्पिस सिंप्लेक्स ये बीमारी भी होती है। ये सारी बीमारी होने के पीछे का रीजन हमारी जो इम्यूनिटी इतनी हद तक कम हो जाती है कि ये सारे डिजीज वो एचआईवी इंफेक्टेड पर्सन कैचअप कर लेता है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये डिजीज के डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि इसका निदान कैसे होता है। ये होता है ब्लड टेस्ट के जरिए। इसमें अलग अलग टेस्ट है जिसमें एलिसा टेस्ट यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट। अगर ये टेस्ट में एचआईवी पॉजिटिव आए तो फिर अलग टेस्ट से कंफर्म करना पड़ता है। इसमें है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ये एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक है, इससे जो रिजल्ट मिलता है वो परफेक्ट मिलता है। उसके अलावा है रैपिड टेस्ट। ये सारे एचआईवी एड्स वो डायग्नोसिस करने के लिए सारे टेस्ट हैं। ये पॉजिटिव आते हैं करीबन 18 डेज के बाद, 18 टू 45 डेज एक्सपोजर के बाद, इतने दिनों में वो फिर ब्लड में पॉजिटिव आना शुरू होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। इसकी ट्रीटमेंट में एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। ये वायरल डिजीज है इसलिए इसमें रोल होता है एंटीवायरल मेडिसिन का। इसमें अलग अलग मेडिसिन है, इसमें कॉम्बिनेशन दिया जाता है। एक मेडिसिन का जो नाम दिया गया है वो है हार्ट यानी कि हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरापी। इसमें अलग अलग एंटीवायरल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, उससे काफी हद तक फायदा मिलता है। पेशेंट से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी लाइफ में पूरा चेंजेस आता है और काफी हद तक फायदा रूप है। लेकिन इसमें दिक्कत यह आती है कि इसका डायग्नोसिस तक पहुंचना ही कठिन है। ये मेडिसिन से जो वायरल का लोड है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और हमारे जो इम्यून सिस्टम वीक है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। जो सेल्स काउंट डाउन हुए हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट, CD4 काउंट जो डाउन है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं और इसकी वजह से सिचुएशंस कंट्रोल में रहती है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी लाइफ की वो दोनों इंप्रूव होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके प्रिवेंशन के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताई एचआईवी एड्स के बारे में, लेकिन अभी का जो पॉइंट है प्रिवेंशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये डिजीज ना फैले उसके लिए क्या तकेदारी रखनी चाहिए। मेरी चैनल बी योर डॉक्टर उसका मेन मोटो ये है कि हम डिजीज को प्रिवेंट कैसे कर सके। जब मैंने मोटो ट्रांसमिशन समझाया ये डिजीज कैसे फैलता है वो अगर आपने ठीक तरह से समझ लिया है तो उसका प्रिवेंशन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं इसका प्रिवेंशन। पहला लेते हैं सेक्सुअल। इसका ट्रांसमिशन ना हो इसके लिए ये तकेदारी रखनी चाहिए कि जिसमें स्कूल में ही इसका एजुकेशन मिलना चाहिए, तब सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। दूसरा, इसके बारे में अवेयरनेस आए, इसके लिए टेलीविजन में एड आए, न्यूज़पेपर में उसकी एड आए, ये जरूरी है। तीसरा, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, उसमें कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। और फोर्थ, कि इसका इजीली टेस्ट हो, ये ऐसी एक फैसिलिटी होनी चाहिए। मोडो ट्रांसमिशन में मैंने दूसरा बताया था ब्लड। और प्रिवेंशन में लेते हैं कि ब्लड से ट्रांसफ्यूजन ना हो, ये ब्लड से ये डिजीज ट्रांसमिट ना हो उसके लिए क्या तकेदारी रखनी चाहिए। उसमें जब ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है तब उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसका स्क्रीनिंग किया जाता है। उस टाइम पर तकेदारी रख जाए तो फिर ये डिजीज होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, नीडल हमें किसी की यूज की हुई वो लग न जाए, उसकी तकेदारी रखनी है। जब बार्बर के शॉप पर आप सेविंग करवाते हो तो ब्लेड चेंज हो जाए, उसकी तकेदारी रखनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, कि ड्रग तो लेनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग ले रहे हैं वो एक ही सिरिंज से कई सारे लोगों को देते हैं, वो आपको जो स्टराइल सिरिंज है वो यूज करनी चाहिए ताकि और किसी का इंफेक्शन आपको ना लगे। तीसरा है माता के द्वारा बच्चे को, उसमें अब तो गवर्नमेंट ही इतना ध्यान रखती है
कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ही एचआईवी का रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अगर उसमें वो इन्फेक्शन पाया जाए तो वहां से ट्रीटमेंट शुरू की जा सकती है और ये बच्चे को होते वो कंट्रोल किया जा सकता है। और प्रिवेंशन में एक चीज आती है ऑक्यूपेशनल, यानी कि डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर लैब टेक्नीशियन, उसको कई बार एक्सीडेंटली नीडल से या फिर ऐसी इंजरी हो जाती है। ये डिजीज ट्रांसमिट ना हो इसलिए ऐसी इंजरी ना हो उसकी खास तकेदारी रखनी चाहिए। और प्रिवेंशन में मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट है कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि किसी को डाउट्स लग रहा हो या फिर ऐसी नीडल जैसी इंजरी हो गई हो तो अगर उसकी ट्रीटमेंट 2 या 3 दिन में, यानी कि 48 to 72 hours में अगर उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाए तो ये डिजीज से हम बच सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक एचआईवी एड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जानना बहुत ही आवश्यक भी है। मैं आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करिए और किसी को काम आएगा, इस पर लाइक करिए अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो, मुझे कमेंट करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। मेरा मेल एड्रेस भी यहां मेंशन है, मुझे मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।